और इस वक्त तुर्की के राष्ट्रपति रिसेप तैयप एर्दोगान का भारत मंडपम में आगमन। 2003 से 2014 तक आप तुर्की के प्रधानमंत्री रहे हैं, इससे पहले आप इस्तांबुल के मेयर भी रहे हैं और अब तुर्की के राष्ट्रपति के तौर पर महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाते हुए और G20 के मंच पर अपने देश को प्रस्तुत करते हुए। तुर्की ने 2015 में G20 की अध्यक्षता संभाली थी और उस वक्त इंक्लूसिवनेस, इन्वेस्टमेंट और इम्प्लीमेंटेशन के 3 I के इर्द गिर्द पूरी की पूरी प्रेसिडेंसी तुर्की की थी। और भारत की प्रेसिडेंसी में इंक्लूसिव एक पहला एजेंडा जिसको कहा जा सकता है और एक्शन ओरिएंटेड जो हमारा अंतिम एजेंडा है जिसको आप इम्प्लीमेंटेशन के साथ जोड़ सकते हैं, तो दोनों ही प्रेसिडेंसी में काफ़ी समानता दिखाई देती हुई और बहुत ही। और 2015 में जब तुर्की की अध्यक्षता में G20 शिखर सम्मेलन हुआ था तब W20 विमेन 20 का भी एंगेजमेंट ग्रुप जिसका निर्माण किया गया था, जिसका गठन किया गया था और वहीं से महिला विमर्श के मुद्दों को भी आगे बढ़ाया गया, जिससे पहले G20 में कोई महिलाओं के मुद्दे पर विमर्श का अलग से कोई समूह नहीं था। तो तुर्की के राष्ट्रपति रिसेप तैयप एर्दोगान का स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।